हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं चने की दाल, जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। ये बोन और हेल्थ और इम्यूनिटी सिस्टम को अच्छा बनाए रखती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये दाल को मैंने धो के अच्छे से साफ़ कर लिया, 3-4 बार धो लिया है। और मैंने पानी अपने अंदाजे से ले लिया, आप अपने अंदाजे से ले सकते हैं। जितनी मुझे ज़रूरत थी उसके अनुसार मैंने ले लिया है। और अब डाल देते हैं इसमें 1 चम्मच सौंफ। सौंफ से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए सौंफ ज़रूर डालें, बिना सौंफ के इसमें अच्छा टेस्ट नहीं आता है। और ये मैंने कुछ इमली लिया है, इसके बीज को अलग निकाल लिया है और इसको डाल देते हैं इसमें। इसमें थोड़ी सी खटास आ जाती है तो सांभर जैसा टेस्ट आ जाता है। और 1/2 चम्मच मैंने हल्दी ली है, आप देख लीजिए। हल्दी मैंने दाल अपने अनुसार बनाई है तो हल्दी भी उसी के अनुसार डालिए। और डाल देते हैं इसमें 2 छोटा चम्मच तेल, रिफाइंड घी, बटर, आप जो लेना चाहें वो ले सकते हैं। तो मैं यहाँ रिफाइंड ले रही हूँ। और 1 चम्मच नमक डाल दिया है। नमक मैंने कम ही डाला है क्योंकि तड़के में भी डालना है, इसलिए मैंने इसमें नमक कम डाला है। अब इसको मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं और कुकर का ढक्कन बंद कर देते हैं। तो गैस ऑन कर देते हैं और इसमें करते हैं सीटी आने का इंतज़ार। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। यहाँ इसमें सीटी आ गई है, मैंने इसमें 3-4 सीटी लगाई हैं। आप अपने देख लीजिए आपके वहाँ कितने में बन जाती है। मेरे यहाँ 3 से 4 या 5 सीटी लग जाती हैं, तो मैंने लगा ली हैं। और कुकर गैस निकाल दिए कुकर की, अब खोल लेते हैं ढक्कन को। तो देखिए हमारी दाल कितने अच्छे से बन के तैयार हो गई है, गल गई है बिल्कुल। और अब कर लेते हैं तड़के की तैयारी। तड़के में मैंने 2 प्याज लिए हैं, ये प्याज छोटे छोटे हैं इसलिए 2 लिए हैं, अगर बड़ा है तो आप 1 ले लीजिए। और 2 हरी मिर्च हैं, 3 से 4 कली लहसुन की हैं और 2 टमाटर हैं। आप ये टमाटर कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो मैंने 2 टमाटर लिए, इनको काट पीट के मैंने प्याज को मोटा मोटा लंबा लंबा काटा है, क्योंकि जब ये दांतों के नीचे आती है तो अच्छी लगती है क्रंची सी, इसलिए मैंने प्याज को बारीक नहीं काटा है। और अब चढ़ा देते हैं कढ़ाई में तेल, रिफाइंड चढ़ाया मैंने, आप बटर घी तेल कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन अपने अनुसार जो आप खाना पसंद करते हैं वो ले सकते हैं। मैंने तेल चढ़ाया है और तेल मेरा गर्म हो गया है, मैंने डाल दिया है जीरा। और अब डाल देते हैं हींग 1 चुटकी। हींग ज़्यादा मत डालना, हींग से कड़वी हो जाती है ज़्यादा डालेंगे तो, इस हींग 1 चुटकी ही बहुत हो जाती है, चुटकी यानी कि 1 पिंच हींग। और जीरा हमारा चटक चुका है, अब डाल देते हैं हम इसमें लहसुन। और अब लहसुन हमारा चटक गया है, ब्राउन हो गया है, काला नहीं करना है। अब डाल देते हैं हरी मिर्च, हरी मिर्च को 1 सेकंड चटकाना है। अब डाल देते हैं प्याज, प्याज को गुलाबी होने तक भूनना है अच्छे से, ज़्यादा नहीं भूनना है, बस मैं गुलाबी होने तक ही भूनती हूँ। और चलिए प्याज को भून लेते हैं अच्छे से चलाते हुए। प्याज हमारा हो चुका है, अब डाल देते हैं टमाटर। तो टमाटर को भी अच्छे से भून लेते हैं तेल छोड़ने तक। ये तेल फेंक रहा है इसलिए मैंने प्लेट को ऊपर कर लिया है, ताकि छींटे ज़्यादा दूर तक ना जा सके। और टमाटर में डाल देते हैं थोड़ा सा 1/2 चम्मच लाल मिर्च, क्योंकि मैंने हरी मिर्च भी ली है तो इसलिए मैं मिर्च कम ही डाल रही हूँ। थोड़ा सा गरम मसाला, और मैंने इमली डाल दी थी, आप चाहे तो यहाँ थोड़ा आमचूर ले सकते हैं। और डाल दिया है मैंने थोड़ा नमक टमाटर को गलाने के लिए। नमक मैंने कम ही डाला क्योंकि मैंने दाल में भी डाला था। और ये है थोड़ा सूखा हुआ पुदीना, इसको मैंने क्रश करके डाल दिया है, अगर है तो डाल दीजिए वरना स्किप कर दीजिए, ज़रूरी नहीं है, नहीं है तो। मेरे पास था तो मैंने डाल दिया, मुझे दाल थोड़ी गाढ़ी लग रही थी तो मैंने इसमें थोड़ा पानी डाल दिया है। पानी डाल के उबाल लेते हैं, 1 उबाल आने तक इसको ढक देते हैं। 1 उबाल आ गया है और
अगर आपके पास मैसर है तो आप दाल को उससे मैश कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा चमची से ही मैश कर लिया था, तो इससे थोड़ी घुटी घुटी सी हो जाती है, ये पानी सा अलग नहीं दिखता, क्योंकि चने की दाल थोड़ी मोटी होती है तो इसमें टाइम लगता है, इसलिए मैंने इसको चमचे से ही थोड़ा सा मैश कर लिया है। अगर आपके पास मैसर है तो आप मैसर से मैश कर सकते हैं। तो देखिए हमारी दाल होटल वाली दाल बन के तैयार हो गई है, बिल्कुल ढाबे जैसी। और हमने बनाई है ये चावल के साथ, आप चाहे तो रोटी पराठे किसी के भी साथ बना सकते हैं।